हेलो दोस्तों, आप लोगों का दोस्त मोहन कुमार आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लेकर के आया है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। देखिए, कुछ फार्मूला होते हैं जो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, यानी कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उससे मल्टीप्लाई कर जब कर देते हैं तो उसका वैल्यू वन होता है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वन, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन। चलिए हम लोग कुछ और फार्मूला को देखते हैं। देखिए, फार्मूला एक होता है साइन ए प्लस बी, इसका क्या फार्मूला होता है चलिए हम लोग देखते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आगे होता है साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आगे फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आगे फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आगे देखते हैं टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आगे टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। देखिए, टेन ए माइनस टेन बी वाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है। आगे देखते हैं कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। आगे होता है कॉट ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है चलिए देखते हैं। कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए।